नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है, आपको पर्सनल लोन कहीं से नहीं मिल पा रहा है, आप परेशान है कि कहां से पर्सनल लोन लें, तो आज हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताएंगे। सिर्फ आपको अपने मोबाइल में एक ऐप को डाउनलोड करना है और इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे लोन ले सकते हैं। आपको यह भी जानकारी मिल जाएगी कि आपको भारत की कौन सी बैंक, कौन सी ऐसी प्राइवेट बैंक है जो लोन दे रही है या सरकारी बैंक है जो आपको लोन दे रही है, घर बैठे मालूम कर सकते हैं और लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन आपको तुरंत अप्रूवल हो जाता है। और भी दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। पूरा वीडियो देखिए ताकि आप भी जान सकें कि कैसे आप घर बैठे लोन ले सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस आइडिया और लोन आइडिया यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में जाना है। मोबाइल में जाने के बाद एक ऐप को इंस्टॉल करना, इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। ये देखिए, प्ले स्टोर में जाने के लिए आप प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको सर्च कर देना है वडी लोन। सर्च कर देंगे यहां से। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सबसे ऊपर इसको यहां से आप देख सकते हैं और इसमें बहुत कुछ दिया गया है। सबसे पहले रेटिंग समझिए दोस्तों, किसी भी ऐप की रेटिंग उसको बताती है कि इससे किसी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, किसी को लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कोई भी एप्लीकेशन होती है, अगर उसकी रेटिंग खराब है तो मतलब समझ लीजिए कि इसमें आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। यहां पर जो भी रेटिंग मिल रही है वह 4+ मिल रही है, यानी कि 4 से ऊपर 5 भी लोग सबसे ज्यादा दे रहे हैं। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात समझिए, इसको हम करते हैं इंस्टॉल। ये देखिए, ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक इसकी कुछ स्पेशल बातें बताते हैं जो कि इसमें बताई गई जो ऐप में है। ये देखिए, ऐप में जो आपको सुविधाएं मिलने वाली है वो इस प्रकार से है। बड़ी लोन आपको कितने का मिलेगा, 10,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है, यानी कि इस ऐप से आप इतना लोन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो ब्याज दर कितनी लग रही है, तो यहां पर यह भी बताया गया है। जो इंटरेस्ट रेट है, आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बताया गया है 11.99%, यानी कि आपको लगभग 12% यहां कम से कम ब्याज दर आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर यह भी बताया गया है, जो लोन लेने की टर्म है यानी कि समय सीमा है, वो आप रख सकते हैं 5 महीने से लेकर 60 महीने तक। यानी कि अगर आपको लोन की आवश्यकता है और आपको कम समय के लिए चाहिए तो भी आप कम से कम 5 महीने के लिए ले सकते हैं। ज्यादा समय के लिए चाहिए, आपको लगता है कि मैं पैसे जल्दी जमा नहीं कर पाऊंगा, तो आप 60 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। और यह एंड्रॉयड वर्जन पर भी मिल जाएगा आपको, और iOS वगैरह, एप्पल वगैरह प्रयोग करते हैं उस पर भी यह एप्लीकेशन मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, नो क्वेश्चन आस्क्ड। जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो पूछा जाता है कि आप लोन किसके लिए ले रहे हैं, पर यहां पे ऐसा कुछ भी पाबंदी नहीं है। आप लोन लेने के बाद उसको किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और यहां पे दोस्तों यह भी बताया गया है कि जो लोन है आपको, वो अप्रूवल इंस्टेंटली हो जाता है, तुरंत आपको अप्रूवल मिल जाता है। एडिशनल बेनिफिट क्या आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, यह भी आप समझ लीजिए। इजी एंड क्विक एप्लीकेशन सबमिशन, यानी कि बहुत ही आसान और जल्दी से हो जाता है, इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। इजी टू नेविगेट ऐप इंटरफेस एंड नो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि फिजिकल आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं वो आपको यहां करने होते हैं। वन ऐप फॉर ऑल, यानी कि एक ऐप में आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे एक सुविधा और दी गई है जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलती है, आप यहाँ पे अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, इस ऐप के द्वारा आपको एक सुविधा और देखने को मिल रही है, वह है क्रेडिट कार्ड अप्लाई, यानी कि आप यहां से क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, एक सुविधा और है, आप कर सकते हैं कि इस ऐप को अगर अपने फ्रेंड दोस्त वगैरह जो है, रिलेटिव है, उनको अगर आप इसको शेयर करते हैं तो शेयर करने पर एक शेयर पे आपको 50 रुपए मिलेंगे। लेकिन वह रुपए कब मिलेंगे, जब वह उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उससे लोन के लिए आवेदन करेंगे। लोन मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने ओपन किया और उसमें अपने आपको रजिस्टर किया तो समझ लीजिए आपको 50 रुपए मिल गए हैं। तो इस प्रकार से आप पैसे भी कमा सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो लोन लें, ना चाहें तो पैसे भी कमाएं, कई एक काम इसमें कर सकते हैं। अब ऐप इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको करते हैं ओपन।
ओपन करने के बाद दोस्तों, अब यहां पे सबसे पहले आपको एक चीज पूछ रहा है कि आपको लोन कितना चाहिए, ये आप अमाउंट यहां पे डिक्लेयर करें। आपको 10,000 चाहिए, 15, 20, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 10,00,000, 15,00,000, जो भी चाहिए यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 1,40,000 हो गया, 3,00,000 हो गया, 5,40,000 हो गया, 8,20,000 हो गया, 14,00,000, 13,00,000, 15,00,000, यानी कि जितना अमाउंट आपको आवश्यकता है। अगर मुझे मान के चलो 50,000 की आवश्यकता है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि मुझे मात्र 50,000 की आवश्यकता है। ये लोग 50,000 मैंने कर दिया, यहाँ पे आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे समय सीमा भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, आपको 12 महीने के लिए चाहिए या 30 महीने के लिए चाहिए, 50 महीने के लिए चाहिए या 60 महीने के लिए चाहिए। तो मान के चलो मुझे 12 महीने के लिए चाहिए, मैं ज्यादा समय के लिए नहीं लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा समय के लिए लेंगे तो ज्यादा ब्याज देना होगा। जब लोन अमाउंट कम है तो क्यों ज्यादा समय के लिए लेना, थोड़े समय के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। OTP वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालनी है जिस पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन सूचना मिलती रहे। तो आप यहाँ पे कोई भी आपका जो ईमेल है वो आप डाल सकते हैं। मैंने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दिया है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप क्या करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं। अगर आप सैलरीड हैं, नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो ऊपर सेलेक्ट करेंगे, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो नीचे सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें आपको बताना है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है, प्रोफेशनल है, यानी कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस है। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। अब कितने समय से इसको कर रहे हो, 1 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, ये भी आपको करना है। तो मैं लगभग 10 साल से कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे 10 साल सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं 10 साल सेलेक्ट कर दिए, आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्या है, प्रोपराइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है आप, मतलब कि जो आप बिजनेस कर रहे हो किस हिसाब से है। तो मैं प्रोपराइटरशिप है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब सेलेक्ट योर इंडस्ट्री, यानी कि जो आपका काम है वो किस कैटेगरी में आता है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरी आती है ऑटो पार्ट्स में, ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ। अब एंटर योर कंपनी नेम, आपकी कंपनी का नाम क्या है। मेरी कंपनी का नाम है विजय ऑटो ट्रेडर्स, तो मैं वो डाल देता हूं, विजय ऑटो ट्रेडर्स, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब आपको कंपनी का एड्रेस डालना जहां पर आपकी कंपनी है। तो मैं अपने घर से ही ऑपरेट करता हूं, जहां पर मेरे वो है मैं वहीं डाल देता हूं। तो मैं अपना पिन कोड डाल देता हूं, यहां पे आपको अपनी सिटी डालनी है, यहां स्टेट डालना है। तो मैं डालने के बाद आगे बढ़ता हूं। जैसे ही आप पिन कोड डालते हैं बाकी आपकी डिटेल ऑटोमेटिक ये कलेक्ट कर लेता है। अब आगे बढ़ना है। अब यहां पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, जो आपका पैन कार्ड है वो जरूर डालना है, क्योंकि उसी से आपकी पूरी हिस्ट्री निकलती है, उसी से आपको लोन मिलता है। तो पैन कार्ड नंबर सही से डालिएगा। तो मैं अपना पैन कार्ड नंबर डालता हूं, आगे मिलता हूं। ये देखिए, अब यहां पर आपको अपना नाम डालना है जैसा कि आप पैन कार्ड में है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो मैं डालता हूं और आगे मिलता हूं आपसे। अब यहां पर एंटर योर डेजिग्नेशन, यानी कि आप क्या है, आपका जो बिजनेस है उसमें आपका क्या पाद है। तो मैं यहां पे ओनर हूं, तो मैं ओनर कर देता हूं। ये देखिए, मैं ओनर करने के बाद आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर आपको लिखना है एंटर योर ग्रॉस एनुअल सेल, यानी कि आपकी कितनी सेल हो रही है। अगर आप बिजनेस नहीं, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर आपको आएगा ऑप्शन कि आपको कितनी मतलब कि तनख्वाह मिल रही है साल में या वार्षिक में, वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ पे मेरी जो साल में हो रही है वो मैं लिख सकता हूं, तो मैं ज्यादा नहीं लिखता हूं, केवल 5,00,000 कर देता हूं। 5,00,000 करने के बाद यहां आगे बढ़ जाता हूं। अब यहां पे प्रॉफिट आपको बतानी है कि आपको प्रॉफिट कितनी हो रही है, मंथली प्रॉफिट। तो मंथली प्रॉफिट मैं कर देता हूं ज्यादा नहीं, 50,000 रुपए। अब और आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस बैंक में है, आपको सेलेक्ट कर देना है। जो भी बैंक हो आपके, स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, जो भी बैंक आपकी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे बैंक डेट देख लेता हूं, मेरा है सेंट्रल बैंक में। तो सेंट्रल बैंक कहां गई है इस समय, ये रही सेंट्रल बैंक, मैंने सेंट्रल बैंक सेलेक्ट कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको योर प्राइमरी सेविंग बैंक अकाउंट, यानी सेविंग अकाउंट किस में है। तो ये भी मेरा सेंट्रल बैंक में ही है, तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूं, ये भी हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको करना है कहां आप रहते हैं, वहां का पिन कोड वगैरह आपको डाल देना है। तो मैं जहां रहता हूं वहीं वो करता हूं, मैं वो डाल दिया है। अब ये सिटी जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है। अब यहां आगे बढ़ेंगे आप।
अब यहाँ पे आपको लिखना है सेलेक्ट रेजिडेंस टाइप, यानी कि आप घर में रहते हैं वो किसका है, आपके माता पिता का है, किराए का है, आपका है, तो मेरा स्वयं का है, मैंने स्वयं का कर दिया। अब यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ करेंट, यानी कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं वो आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 25 साल, ये देखिए। अब डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड आधार कार्ड में, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, तो आपकी जो भी आपकी बन रही हो वो आप डाल दीजिए। ये लीजिए, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल फीमेल क्या है, तो जो भी आप हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहां से सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, वो आपको यहां पे देनी है। तो उसके लिए आप जो भी कुछ हैं, तो मैं अंडर ग्रेजुएट हूं, मैरिड क्या है, आप शादीशुदा है या अनमैरिड है, वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहां पे आपको अपना फैमिली की डिटेल देनी है, फादर्स नेम और माता का नाम, जो भी आपका नाम हो वो आप यहां पे डाल सकते हैं। डालने के बाद अब आपको आगे बढ़ना है। अब यहां पर आपको चूज करना है टोटल ईएमआई यू पे करेंट पर मंथ, यानी कि अभी कुछ आप ईएमआई पे हर महीने कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसे खाली छोड़ दीजिए, आगे बढ़ दीजिए, और अगर कर रहे हैं तो वहां पे आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग ए क्रेडिट कार्ड, क्या आप क्रेडिट कार्ड पाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, यस तो यस, नो तो नो, पर मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नो कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद अब सबमिट लोन रिक्वेस्ट, अब यहां से आपको सबमिट कर देनी है, क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपका जो एप्लीकेशन था वो पूरा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, 24 घंटे तक इंतजार करना है, इसके बाद बड़ी लोन की तरफ से आपको मेल आएगी, कॉल आएगी, एसएमएस आएगा और जानकारी दी जाएगी कि किस बैंक से आपको लोन दिया जा रहा है, कितना लोन अमाउंट दिया जा रहा है, कितने समय के लिए दिया जा रहा है, पूरी जानकारी मिलेगी, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस प्रकार से मिल जाती है, तो घर बैठे आप इस प्रकार से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।